सो हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस वन मोर टॉपिक आईसीटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम बेसिकली आईसीटी क्या है इसको डिस्कस करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी स्टूडेंट जेआरएफ की, एसआरएफ की, नेट की या एकेडमिक में भी है, ये टॉपिक बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट को, तो इस वजह से आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली आप देखेंगे आईसीटी की अगर मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो द वर्ड आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का जो फुल फॉर्म या स्टैंड किसके लिए होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। आईसीटी रिफर टू टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड एसेस टू इंफॉर्मेशन टेली कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आईसीटी वह मीडियम है, इसको क्या बोल सकते हैं कि मीडियम साधन लाइक चैनल है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, टेली कम्युनिकेशन फॉर्म में आपको रिसीव करने का अपॉर्चुनिटी देती है। टेली कम्युनिकेशन क्या होते हैं, अब टेली कम्युनिकेशन आपको भी मैं आगे बताऊंगा। बेसिकली टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, जो वायरलेस आर मास मीडिया पर डिपेंड होता है वो होता है। आईसीटी फोकस ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली आईसीटी कैसे फोकस करता है, जो डिफरेंट कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजीज हैं उसके एलिमेंट उस पर फोकस करता है। नेक्स्ट आईसीटी इंक्लूड मैनी मीडियम फॉर रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आईसीटी ऑलरेडी मैंने बताया बहुत से मीडियम लाइक, वो चाहे रिकॉर्डिंग के हों चाहे ब्रॉडकास्टिंग के हों, सबको इंक्लूड करता है। डेफिनेशन लास्ट में आपकी निकल के आ रही है, आईसीटी कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, दे आर इनेबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आईसीटी को डेफिनेशन क्या बोला गया है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो किस लिए यूज होता है, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसका, इंफॉर्मेशन का, और क्या है कि जिससे क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो इनेबल हो सके, स्टार्ट हो सके। ये बेसिकली आपकी आईसीटी है। और नेक्स्ट आप आईसीटी का एप्लीकेशन क्या एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे, तो बेसिकली आईसीटी फॉर स्ट्रेंथनिंग लिंकेज बिटवीन एक्सटेंशन रिसर्च एंड फार्मर। तो आईसीटी का पहला रोल क्या है, एक लिंक का काम करता है, किसके बीच में, एक्सटेंशन के बीच में, रिसर्च के बीच में और फार्मर के बीच में, उनको एक साथ इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन नीड ए फार्मर, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी नीड ए फार्मर को, वो उसको प्रोवाइड कराता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन, यह क्या है कि सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी का साधन है, जो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट देता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑप्टिकल यूज ऑफ इनपुट। तो क्या है कि ये टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट करने में और ऑप्टिमम यूज करने में अपॉर्चुनिटी देता है। कलेक्टिव एक्शन विद अदर फार्मर, मतलब ये एक मास मीडियम फार्मर को आप कलेक्ट कर सकते हो, उनको एक साथ में टेक्नोलॉजी को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। कंज्यूमर एंड मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट, बेसिकली क्या है कि जो कंज्यूमर हो गए, कंज्यूमर मीन्स फार्मर, अब क्या है कि आपके मार्केट में जो मिडिल मैन है या मार्केट के जो ओनर है, उनके बीच में प्रोडक्ट के इंट्रैक्शन करने का, चाहे वो प्राइस डिसाइड करने में या और भी सब चीज़ों को मौका देता है। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोड्यूस, जो क्वालिटी है उसको ब्रॉडकास्ट करने का बाय द हेल्प ऑफ आईसीटी, कि ये क्वालिटी, इसका ये प्रोडक्ट, इसका ये प्राइस लगेगा। तो ये क्या चांस देता है, आईसीटी आपको चांस देता है। एसेस टू क्रेडिट एंड लोन, ये अपॉर्चुनिटी क्रेडिट और लोन को भी एसेस करने में मौका देता है, जिससे फार्मर ऑनलाइन ले सकते हैं। सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग विद क्लाइमेट चेंज, तो ये सस्टेनेबल जो NRM नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, जो क्रॉपिंग है और क्लाइमेट चेंज है उसको भी सोसाइटी में डिसिमिनेट करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। टाइम टू बाय इनपुट एंड सेल प्रोड्यूस, और टाइमली आप इनपुट को सेल कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स उसको खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, डिफरेंट आईसीटी के एप्लीकेशन है, जैसे किसान सुविधा है, YCR न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन उसने स्टार्ट किया था। इसका जो सर्विस प्रोवाइड है मेन, इसका क्या वर्क है, ये सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पुरसा कृषि जो IRI न्यू दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप डेवलप बाय ICR, जो नई वैरायटी डेवलप होती है ICR की, उसको डिसिमिनेट करता है फार्मर के, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। कॉटन मोबाइल ICR का नागपुर के द्वारा, ये कॉटन कल्टिवेशन, सोइंग ऑफ कॉटन, सिलेक्शन ऑफ वराइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डिजिटल मंडी जो BSNL भारत संचार निगम के द्वारा है, और ये प्राइस ऑफ द कम्युनिटी लाइक वेजिटेबल फ्रूट पल्सेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट EM कृषि TCS जो कंपनी, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये माइक्रो क्लाइमेट, लोकल मार्केट के बारे में बताता है। मोबाइल ऐप राइस एक्सपर्ट, तो ICR NNRI जिसको आप
IRI भी बोल सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट वीड रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। एक राइस क्रॉप डॉटर जो मैनेज के द्वारा स्टार्ट हुआ था वो भी है। KVK पोर्टल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीजन ICRI द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये KVK की इंफॉर्मेशन, उसको कैसे मैनेजमेंट करना उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कंपोनेंट ऑफ ICTs, तो बेसिकली रिटन, जिसमें आपका प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, लीफलेट, बुलेटिन, पंपलेट आते हैं। ऑडियो में आपका रेडियो, टेलीफोन आता है। विजुअल पिक्चर एंड एग्जीबिशन, इसके विजुअल के कंपोनेंट हैं। ऑडियो विजुअल फिल्म हो गया, टेलीविजन वीडियो, ये आपके हैं। न्यू ICT कंप्यूटर इंटरनेट कियोस्क, ये न्यू IT कंप्यूटर, ये बेसिकली इसके कंपोनेंट। बेनिफिट ऑफ ICT इन एग्रीकल्चर, तो बेनिफिट क्या है, इंप्रूव्ड एसेस टू इन्फॉर्मेशन, क्या कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इजीली इन्फॉर्मेशन को एसेस कर सकते हैं, उसको अपने मतलब उस एसेस मीन्स क्या होता है, उसको आप जान सकते हैं। इंक्रीज इफिशियंसी, जैसे क्या है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे तो हो सकता है बैरियर हो, लेकिन इससे क्या है कि इफिशियंसी इंक्रीज होती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैसेज डिलीवर होता है और फार्मर का भी डिस्टॉर्शन नहीं होता, वो समझ लेता है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि उसके सिचुएशन के बेसिस बताया जाता है। इंक्रीज अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी जो है उसको इंक्रीज करता है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में आपका ये सहायक होता है। प्रिसीजन फार्मिंग, जो प्रिसीजन फार्मिंग वो उसको बढ़ावा देता है। ICT इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट फार्मिंग कम्युनिटी, तो आप एक्वा 2003 में आया था, जिसका मीन्स होता ऑल क्वेश्चन आंसर्ड। तो क्वेश्चन आज कहीं फोर लैंग्वेज, हिंदी, लैंग्वेज, कन्नडा, तो इसमें ऑल क्वेश्चन का आंसर दिया था जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं। ई कृषि 2005 में आया था, तो केरला स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका क्या था, मेन था कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता था। ई सैगू 2004 में आया, इलेक्ट्रॉनिक कल्टिवेशन, सागू मीन्स कल्टिवेशन इन तेलुगु होता है। ये है डिस्क, क्या है, डेयरी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कियोस्क है। ये इनिशिएटिव टेकन बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड विद हेल्प ऑफ IIM अहमदाबाद, तो ये मिल्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है आपका। आकाश गंगा 1996 में स्टार्ट हुआ था और ये ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देता है। आशा, तो बेसिकली ये क्या है कि ICT आसाम स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्सोरियम है और ये इंपावरमेंट ऑफ फार्मर के लिए स्टार्ट किया गया था। रोड डेवलपमेंट थ्रू ICT, ई चौपाल, चौपाल मीन्स मीटिंग पॉइंट इन विलेज, इंडियन टोबैको कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था 2000 में। सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन था जो 1972 गुजरात में स्टार्ट हुआ था। VRC, तो विलेज रिसर्च सेंटर थे जो इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट NKC नेशनल नॉलेज कमीशन था, तो ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, ये नॉलेज को ब्रॉडकास्ट करता था। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 अप्रैल 2009 में स्टार्ट किया गया था। और EGSS टू क्रिएशन एंड प्रिवेंशन ऑफ नो सिस्टम डिसमिनेशन ऑफ नो एंड बेटर नो सर्विसेज, तो आप कैसे नो में जानना, कैसे जाना जाए उसको ब्रॉडकास्ट करना था, कैसे उसको डिसमिनेट करना है, कैसे उसको समझाना, ये इसके माध्यम से दिया जाता था। एक्सपर्ट सिस्टम आप देखेंगे, तो बेसिकली एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूज नॉलेज एंड इंटरफेस प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट आर डिफिकल्ट इनफ एंड रिक्वायर ह्यूमन एक्सपर्टाइज फॉर देयर सोल्यूशन। एक्सपर्ट सिस्टम इज नॉलेज शेयरिंग होता है, इसमें क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए इतना ईजिली नहीं होता उसको सॉल्व करना, वो क्या है कि ICT के माध्यम से सॉल्व किया, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम होता है। अब इसके कंपोनेंट क्या, ह्यूमन एक्सपर्टाइज इज शेयर एंड परिसेबल विच कैन बी सेव्ड एंड शेयर्ड, तो क्या है कि ह्यूमन जो एक्सपर्ट है वो लिमिटेड है और परिसेबल है, उसको क्या है कि एक ही बार में अगर इन्फॉर्मेशन दिया तो वो खत्म हो जाता है, जबकि इसके माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन कई लोग उसको एसेस कर सकते हैं, चलता रहता है। इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्लीकेट इज वेरी बेस्ट रिपोर्ट, तो ये क्या है कि आप रिसो रेप्लीकेट अच्छे से अच्छे लोगों तक कर सकते हैं। एक्सपर्टाइज कैन इजीली ट्रांसपोर्ट देयर मेंबर्स, इसमें क्या है कि जो रिकॉर्डेड होता या होता है उसको आप किसी मेंबर तक इजीली पहुंचा सकते हैं। कंसिस्टेंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है। एक्सपर्ट सिस्टम डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम है, राइस क्रॉप डॉक्टर आपका हो गया, रैपसीड मस्टर्ड एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, एक्सोवेम वीट एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, मेग एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम और मशरूम वीट कंट्रोल सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम फॉर शुगर कैन, बनाना एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम फॉर कटल एंड बफेलो, तो ये डिफरेंट जो एक्सपर्ट सिस्टम है डिफरेंट क्रॉप से रिलेटेड है, से क्रॉप रिलेटेड है। टच स्क्रीन कियोस्क, जैसे कियोस्क है तो व्हाट इज टच स्क्रीन सिस्टम, व्हाट इज टच स्क्रीन, तो बेसिकली कियोस्क के बारे में आप देख लेंगे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। कियोस्क इन जनरलाइज टर्म, इन्फॉर्मेशन कियोस्क आर द पब्लिक इंस्टॉलेशन वेयर कंप्यूटर आर इंस्टॉल टू मेक G2C B2C सर्विसेज एसेसिबल टू द फार्मिंग कम्युनिटी। इन्फॉर्मेशन कियोस्क इज ए हब ऑफ इन्फॉर्मेशन एज पर द नीड ऑफ द एरिया, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन गेट अवेलेबल प्लांट प्रोडक्शन, तो बेसिकली क्या है कि इन्फॉर्मेशन कियोस्क क्या होता है, ये पब्लिक इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर में, जो कि वाइड रेंज इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर रखते हैं
और अकॉर्डिंग टू नीड्स के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं। किस टाइप की, जैसे प्लांट प्रोडक्शन मेजर की हो गई, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, देयर मैनेजमेंट सिस्टम को हो गया, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज एंड देयर कंट्रोल के बारे में, वीडियो क्लिपिंग ऑन वेरियस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, मेजर इनिशिएटिव ITC, ई चौपाल, CICS। तो बेसिकली वीडियो क्लिप के माध्यम से कियोस्क वही होता है कि इस उस एरिया के नीड के बेसिस पे उसमें इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल होते हैं। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सर्विस, तो IVRS बेसिकली क्या है कि ये टेक्नोलॉजी दैट अलाउ कंप्यूटर सिस्टम टू इंटरेक्ट विद ह्यूमन। तो ये बेसिकली एक फेस टू फेस इंटरेक्शन, ह्यूमन जो बोलता है उसके साथ इंटरेक्ट करने का इसको मौका देता है, और जो इन्फॉर्मेशन उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ह्यूमन को वो दे देता है। इसका फूड टेक्नोलॉजी में भी IVRS का वो हो रहा है। तो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो वेरी वेल, वेरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग और एनी अदर फीचर ऑफ इंटेलिजेंस कैन बी प्रिंसिपल सो प्रीवियसली डिस्क्राइब दैट ए मशीन कैन बी मेड टू सिमुलेटेड एन अटेम्प्ट विल बी मेड टू फाइंड हाउ टू मेक मशीन्स यूज लैंग्वेज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन एंड कॉन्सेप्ट सॉल्व काइंड टू प्रॉब्लम नाउ रिजर्व फॉर ह्यूमन एंड इम्प्रूव देमसेल्फ। तो बेसिकली द थ्योरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एबल टू परफॉर्म टास्क नॉर्मली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन लैंग्वेज मेकिंग मेकिंग एंड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है AI जो हर सेक्टर में इस समय बहुत तेज़ बढ़ रहा है। AI के आने से चाहे आप देखेंगे तो डिफरेंट जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट कम हुए हैं, और AI ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन ना करके भी बहुत बारीक से बारीक चीज़ों को भी AI कर देता है। क्योंकि ये क्या है कि जो एक मशीन आपका डेट मशीन कैन बी मेड स्टिमुलेटेड, एक मशीन टाइप की है ना ये AI, इन सिंपल टू टर्म क्या है, एक AI मशीन ही तो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ रहा है, चाहे प्लांट प्रोडक्शन मेजर में यूज हो रहा है, चाहे सोइंग में हो रहा है, चाहे वैरायटी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एक मशीन की तरह, जो कि अब इसके एस्पेक्ट क्या है, सिमुलेटिंग हायर फंक्शन टू ह्यूमन ब्रेन, भाई इन कंपेरिजन ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा वर्क करेगा ही AI। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर टू यूज जनरल लैंग्वेज, ये किसी भी जनरल लैंग्वेज में काम करने लगता है। अरेंजिंग हाइपोथेटिकल न्यूरॉन्स इन मैनर सो दैट दे कैन परफॉर्म कॉन्सेप्ट, न्यूरॉन्स से अच्छा है तो उससे अच्छा कॉन्सेप्ट भी मतलब इन कंपेरिजन टू न्यूरॉन एक मैनर होता है उसकी तरह काम करता है, और ये कॉन्सेप्ट को फॉर्म के बेसिस पे काम करता है जैसे न्यूरॉन की तरह। ए वे टू डिटरमाइन एंड मेजर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होती है उसको मेजर कर लेता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट, और इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि डिफाइन एट द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विद आइडियाज रेदर देन इवेंट, मतलब ये क्या इवेंट के पे विश्वास नहीं करता, ये आइडिया जनरेट करता रहता है। एप्लीकेशन आप AI इन एग्रीकल्चर, AI बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गए, AI बेस्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो रहा है, स्मार्ट सेंसर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, एग्रीकल्चर नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स हो गए, AI इन एग्रीकल्चर ऑप्टिमाइजेशन मैनेजमेंट में यूज हो रहा है, एक्सपोर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर, ऑटोमेशन नेविगेशन में भी AI का यूज हो रहा है। बेनिफिट ऑफ AI, तो बेसिकली इंक्रीज क्रॉप यील्ड, रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, इंप्रूव सॉइल हेल्थ, रिड्यूस वाटर यूज, इंक्रीज एफिशिएंसी। थैंक यू। आई होप जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो बेसिक ICT क्या है, ICT के क्या यूज एग्रीकल्चर में वो क्लियर हुआ होगा। अगर आप पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अपने बैचमेट तक, सीनियर तक, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर